आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल एक्शन पार्ट वन। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेसिक ह्यूमन नीड्स की, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर या फ्यूल के बारे में। अब हम जानते हैं कि मैन जब से अर्थ पे आया है तो वो बहुत सारी चीजें नेचर से कंज्यूम कर रहा है। उसे लैंड चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स चाहिए, ऐसा फूड, वाटर चाहिए ड्रिंक करने के लिए, सनशाइन चाहिए, लाइट चाहिए हीट एनर्जी के लिए, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। और एक कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, वन इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? वो सोर्स ऑफ सप्लाई या सपोर्ट जो रिजर्व में है, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे वुड है, वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, इसे हम फर्नीचर बनाते हैं, ऐसे कोल पेट्रोलियम वगैरह है, इन चीजों से भी हम फ्यूल बनाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अब ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से, जो मैन की डिजायर बढ़ने की वजह से, इन चीजों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो क्या करना चाहिए हमें इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, ह्यूमन नीड्स के मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए? फर्स्ट इज वी हैव टू ब्रिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज की डिमांड नो डाउट ज्यादा ही होगी, तो उसे कम करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है उसको बचाना, या चीजों की वेस्टेज को बचाना। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स एनिमल्स वगैरह है, और इवन सॉइल है, इन सबकी कंजर्वेशन करना, हमारे हैबिटेट्स जो हैं उनको बचाना जहां पर एनिमल्स प्लांट्स वगैरह रहते हैं। वाटर है, फ्यूल है, सॉइल है, इन सबको समझदारी से यूज करना, और ऐसी चीजें बनाना जो ज्यादा लंबी देर तक चलें, इजीली रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, रिपेयर हो सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। वी ऑल नो कि फूड के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं अर्थ पे जो कि फूड बना सकते हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो फूड होता है उसमें कई तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन और एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं फॉर दिस डाइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और सब कुछ लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर हम एवरेज बात करें तो इंडिविजुअल को 2500 कैलोरीज चाहिए होती है हर रोज की, पर डे की, एंड वो ये एवरेज है। किसी को ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी कि वो पर्सन कितना एक्टिव है। और लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं मिलता है अपनी डाइट से, और वो जो है फूड की कमी रहती है उनकी बॉडी में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आइदर ड्यू टू हंगर कि उन्हें फूड नहीं मिला, या फिर फॉल्टी डाइट। कई बार हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, हमारी डाइट में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वो बैलेंस अमाउंट में नहीं होते हैं, तब भी हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और फूड की डिमांड क्योंकि बढ़ती जा रही है तो फूड उतना अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं अराउंड 300 मिलियन पीपल जो कि अंडर नरिश्ड हैं, जिनको फूड कम मिलता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम बच्चों में बात करें तो हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, ऐसे ही मदर्स में भी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स ज्यादा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो कि सही नहीं कर रहे हैं, वो शरारतें करते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई काम में नहीं होता है, वो एक दूसरे को टीज करते हैं, स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, इस तरह की जो टेंडेंसी है बच्चों में वो डिवेलप होती है बिकॉज ऑफ दी उनके माइंड की डिवेलपमेंट सही नहीं होती क्योंकि उनका फूड अच्छा नहीं है। और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, वो लर्न भी नहीं कर पाते बिकॉज अवर ब्रेन ऑल्सो नीड एनर्जी। सो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाए कि किसी को भी भूखा ना रहना पड़े। और फूड वर्ल्ड सबमिट हुई थी 1996 में, तो उन्होंने टारगेट रखा था कि माल न्यूट्रिशन को या अंडर नरिशमेंट को 2015 तक हाफ कर देना है। और क्योंकि माल न्यूट्रिशन का मेजर रीजन पॉवर्टी है, और इसी वजह से पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड कर पाते। सो इट्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट की ये बच्चों, हर बच्चे को फूड प्रॉपरली मिले। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लाइफ के लिए।
जितनी भी एक्टिविटीज हैं बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड प्लांट्स में और एनिमल्स में, दे टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको परफॉर्म करने के लिए जो एक्टिविटीज होंगी, जैसे डाइजेशन करनी है, रेस्पिरेशन करनी है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं वाटर का रोल है। सो वाटर एग्रीकल्चर के लिए भी जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है, और हम जानते हैं कि ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये खत्म नहीं होगा कभी भी, एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट होता रहता है, बट इट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड। तो ये कई फॉर्म्स में हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमने जो है इसमें पूल्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह सब में आ जाता है। ये एग्जॉस्टेबल है, लेकिन किस तरह से मिलता है हमें? वाटर साइकिल से। 3% वाटर टोटल वाटर का अर्थ पे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। अब इसे एग्जॉस्टेबल क्यों कहा है? क्योंकि ये अगर गंदा हो गया पानी तो वो एक तरह से हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं रहा, तो इसलिए हमने इसको एग्जॉस्टेबल बोला है। देन इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर अर्थ के नीचे होता है और इसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं बाय यूजिंग द हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स, हम इस पानी को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉमनली यूटिलाइज्ड। और इसकी इंपॉर्टेंस है, ये प्लांट्स के भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। हम लोग इसे यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इरिगेशन के लिए, इस वाटर को ज्यादातर यूज किया जाता है। देन इज ओशन वाटर। अब ओशन वाटर भी कई तरह से यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ओशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अर्थ के लिए, ओशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाटर पोर्टेबल फॉर्म में नहीं है, हम इस पानी को पी नहीं सकते हैं, लेकिन और बहुत सारे यूजेस हैं इसके, जैसे इनसे हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ओशन में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनसे हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे एल्जीन, अगर, इनको हम लोग यूज करते हैं कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स में भी, और लेबोरेटरी पेशेंट वगैरह में भी इनको यूज किया जाता है। उसके अलावा एडिबल सी वीड है कैल्प, दिस इज अ काइंड ऑफ एल्गी, ठीक है, इसे कंज्यूम किया जाता है कई जगह पर एज फूड, एज फ्लोटिंग सेटिस ऑन ओशन सरफेस। उसके अलावा ऑयस्टर्स होते हैं ओशन के अंदर, उनसे हमें मोती मिलते हैं, पर्ल्स मिलते हैं, और कॉमन सॉल्ट बनाते हैं हम इस वाटर से। उसके अलावा हम सी टाइड्स को यूज करके पावर भी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होती है। अब इंडिया में जो 70% वाटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज की 25% है वाटर कंजम्पशन। डेवलपिंग कंट्रीज में ये कंजम्पशन 5% तक भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द शेल्टर। शेल्टर क्या है? हमारे रहने की जगह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी। लैंड इसके लिए चाहिए हमें, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं, और हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी इट हैज क्रॉस 6 बिलियन, और इसकी वजह से लैंड रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे बढ़ रही है। तो हमें ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, ज्यादा इंडस्ट्री लैंड चाहिए हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, और लेकिन इतनी लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव टू यूज द लैंड रिसोर्सेज जुडिशियली, जिससे कि हम सबको शेल्टर मिले। देन इज फ्यूल। फ्यूल चाहिए हमें कुकिंग के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। अब इसमें सबसे पहला होता है फायरवुड, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। हम प्लांट्स को काटते हैं और उसकी वुड को यूज करते हैं, और ये सबसे सस्ता और बहुत ही इजीली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स है। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, और हमें इसके लिए चाहिए कि हम दूसरे सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे बायोगैस या सोलर एनर्जी वगैरह को भी यूज करें, और ऐसे जगह पर एफॉरेस्टेशन जो है वो भी करें जहां पर प्लांट्स काटे गए हैं फॉर मेकिंग हाउसेज, फर्नीचर या फ्यूल वगैरह। देन नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो हमारे पुराने जो प्लांट्स या एनिमल्स थे उनसे बने हैं, एंड दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन मिलियंस ऑफ इयर्स। वो अर्थ के नीचे दब गए अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर, ये फॉसिल फ्यूल्स हमें मिले हैं। इनमें एग्जाम्पल आती है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। तो ये फ्यूल्स अंडरग्राउंड मिलते हैं हमें, इनके रिजर्व्स लिमिटेड हैं, क्योंकि ये बने बहुत धीरे धीरे हैं, तो अगर हम इन्हें कंज्यूम करते जाएंगे तो हम अपने लाइफ टाइम में इनको वापस नहीं ले सकते। सो वी हैव टू यूज द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हमने इनमें एक रिसोर्स की बात करें हैं, दैट इज कोल, जो कि मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, और ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है जब हम इसे बर्न करते हैं। तो नाउ रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ कोल, इसे हम यूज करते हैं टू मेक कोक। कोक भी एक तरह का फ्यूल है।
उसके अलावा इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल। जब मेटल ओर्स मिलते हैं तो उसमें हमें इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं मेटल को निकालने के लिए। और इसके अलावा इससे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कोल से, जैसे बेंजीन, टॉलवीन, एनिलीन, एंथ्रासीन। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि इनका यूज क्या होता है। सो ये कंपाउंड हम कोल से बनाते हैं। उसके अलावा इसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है एंड कोल इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू कोल गैस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह भी कोल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देयर आर थर्मल पावर प्लांट्स वेयर कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा सिंथेटिक पेट्रोल, सिंथेटिक नेचुरल गैस वगैरह बनाने के लिए, जहां वर्ड आता है सिंथेटिक दैट मीन्स आर्टिफिशियल मैन मेड, सो कोल से ये चीजें भी बनाई जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोक। ये कोल से बनता है। जब कोल को हम इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कोक। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और यहां पर जो कंटेंट है हमारा मतलब उसका जो कार्बन कंटेंट है दैट इज मोर रिच है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, 98% है। और इसे बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। इवन इट इज अ बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोल। तो वो कैसे है, कोक की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, यानी जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है विद द सेम अमाउंट ऑफ कोल। और ये क्लीनर फ्यूल है, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। और कोल से बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है बट कोक इज क्लीन फ्यूल एज कम्पेयर टू द कोल, तो ये कम पोल्यूशन करता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कोल। थैंक यू।